दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले। हेलो दोस्तों, मैं हमीर और आप केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एफबी टॉक के एक और नए एपिसोड लेकर, और इस एपिसोड में मैं आपको कल यानी कि 14 दिसंबर एफसी पुणे सिटी वर्सेस बेंगलुरु एफसी का जो मैच होगा उस मैच के लिए दोनों टीमों का लाइनअप बताने की कोशिश करूंगा, और उसके साथ साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आया है आईएसएल से जुड़े वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं एफसी पुणे सिटी का क्या लाइनअप हो सकता है कल के मैच के लिए। तो दोस्तों इनका फॉर्मेशन होगा 4-2-3-1, गोलकीपर रहेगा कैथ। इनके अलावा टीम में होगा बलजीत, गुरजीत, लोपेज, फनाई, मिमो, तेबार, मार्सिलिनो, कार्लोस, इसाक और अल्फारो। और अब चलिए देख लेते हैं कि बेंगलुरु एफसी का क्या लाइनअप हो सकता है। तो इनका फॉर्मेशन रहेगा 4-3-3, गोलकीपर होगा कैल्विन। इनके अलावा टीम में होगा जूनान जॉनसन, बेके, खबरा, लेनी, पार्थुला, गार्सिया, उदंतो, मिकू और सुनील छेत्री। तो ये तो हो गया दोनों टीमों का लाइनअप। चलिए आप देख लेते हैं दोनों टीमों के विनिंग चांसेस। तो दोनों ही टीम को अगर देखा जाए तो बहुत ही मजबूत टीम है, दोनों के बीच एक जबरदस्त टक्कर का मुकाबला होगा कल। मेडी माने तो एफसी पुणे सिटी का जो की प्लेयर है मार्सिलिनो और अल्फारो, इन दोनों को रोकने का क्षमता बेंगलुरु के पास है। तो बेंगलुरु इस मैच में डोमिनेट करेगा और जबरदस्त कोशिश करेगा इन दोनों को रोकने के लिए, और मुझे लगता है कि कामयाब भी हो सकता है। तो मेरा फाइनल डिसीजन रहेगा बेंगलुरु एफसी का जीतने का चांस रहेगा इस मैच पे 70% और एफसी पुणे सिटी का जीतने का चांस रहेगा 30%। तो चलिए अब कल ही देखा जाएगा फील्ड में कौन किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही मैच को जीत सकता है और मेरा प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। तो ये तो हो गया कल के मैच के लिए थोड़ा बहुत बातचीत। अब देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ आया है आईएसएल से जुड़े। तो फर्स्ट जो न्यूज़ आया है वो एडीके प्रवीण दास के ऊपर पुलिस एफआईआर किया गया है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि प्रवीण दास का जो पत्नी है तनुश्री दास, उन्होंने एक एफआईआर किया है पुलिस को कि प्रवीण दास के फैमिली और प्रवीण दास उनको घर में नहीं रहने दे रहा है, इसी कारण से ही पुलिस में एफआईआर किया है। तो प्रवीण दास अगले मैच जो एडीके का है मुंबई सिटी एफसी के साथ, उस मैच में ना रहने की एक बात हो सकता है कि उस मैच में नहीं भी खेल सकता है, ऐसा बात आया है एडीके टीम से। तो अगर इसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज आ रहा है कि केरला ब्लास्टर के फैन ने सबसे ज्यादा अटेंडेंस दिया है आईएसएल के इस सीजन में। दरअसल दोस्तों आईएसएल का जो मैनेजमेंट में उन्होंने एक घोषणा किया है कि इस साल जो फैन का उपस्थित है स्टेडियम में वो सबसे ज्यादा केरला ब्लास्टर का ही है। सबसे ज्यादा फैन केरला ब्लास्टर को ही सपोर्ट किया है, केरला ब्लास्टर के फैन सबसे ज्यादा आया है आईएसएल देखने के लिए। लेकिन दोस्तों केरला ब्लास्टर के फैन का जो सपोर्ट है वो अभी काम नहीं आ रहा है केरला ब्लास्टर का, उनका समय बहुत ही खराब चल रहा है। आगे क्या होता है केरला ब्लास्टर के साथ, कहां तक पहुंचता है देखा जाएगा आगे सीजन में किस तरह से परफॉर्मेंस करता है केरला ब्लास्टर। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि मुंबई सिटी एफसी के फैन के लिए एक अलग ही सेक्शन बनाया है अपना होम ग्राउंड जो मुंबई फुटबॉल एरिना है, वहां पर मुंबई सिटी एफसी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक अलग सेक्शन बनाया है मुंबई सिटी एफसी का फैन के लिए। तो अब से मुंबई सिटी एफसी का सब फैन एक जगह बैठकर मजा लेगा मैच का और टीम को भी सपोर्ट करेगा बहुत ही अच्छी तरीके से एक जगह बैठकर। और इसके साथ साथ ही मुंबई सिटी एफसी के फैन के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि लियो कॉस्टा जो इंजरी हो गया था वो बहुत ही जल्दी ठीक हो रहा है इंजरी से, और अभी तक एक कंफर्म खबर आया है कि 29 दिसंबर जो दिल्ली डायनामोज के साथ मैच है मुंबई सिटी एफसी का, उस मैच में लियो कॉस्टा जरूर खेलेगा। लेकिन दोस्तों 17 दिसंबर को जो एडीके के साथ मैच है उस मैच पे लियो कॉस्टा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उतना जल्दी भी इंजरी ठीक नहीं होगा तो उस मैच में नहीं खेलेगा। लेकिन 29 दिसंबर जो मैच होगा दिल्ली डायनामोज के साथ उस मैच में जरूर खेलेगा। और इसके बाद खबर आ रहा है कि केरला ब्लास्टर के स्ट्राइकर मार्क स्टीफेंस ने जीत लिया है इस हफ्ते का गोल ऑफ द वीक अवार्ड। हाँ दोस्तों आईएसएल 2017-18 के तीसरे हफ्ते का गोल ऑफ द वीक अवार्ड जीत लिया है मार्क ने। और इसके बाद एक उड़ती हुई खबर के कोमल थरड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि अंडर 17 वर्ल्ड कप का स्टार प्लेयर है भारत की तरफ से कोमल थरड आईएसएल में खेल सकता है। तो अब ये उड़ती हुई एक खबर आया है कि एडीके टीम में लगभग खेलने के लिए साइन हो चुके हैं कोमल। हाँ दोस्तों मुझे भी लग रहा है कि कोमल एडीके की तरफ से खेल सकता है इस साल, लेकिन दोस्तों अभी तक कन्फर्म खबर नहीं है।
तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कुछ भी कंफर्म आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस आ रहा है एटीए टीम में कि कोमल थदाद खेल सकता है। और इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा न्यूज आया है एटीए के फैन के लिए एक खुशखबर, कार्ल बेकर जिसका इंजरी हो गया था और पूरे सीजन में नहीं लौट सकता था एटीए टीम में, और उनके जगह एक नया प्लेयर को साइन कर लिया गया है। हाँ दोस्तों, इंग्लैंड का ही है प्लेयर रायन टेलर को साइन कर लिया है कार्ल बेकर के जगह एटीए ने। और अब चलिए दोस्तों, मैं रायन टेलर के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा खेलता है, पोजीशन कैसा है, और लास्ट में मैं कार्ल बेकर के जगह रायन टेलर का पोजीशन कैसा रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, रायन टेलर इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उनका एज है 33 साल, और इंग्लैंड के अंडर 21 इंग्लैंड का जो इंटरनेशनल टीम है उस टीम से खेल चुके हैं, और इसके अलावा विंगन एथलेटिक न्यूकास्टल यूनाइटेड के तरफ से भी खेल चुके हैं। 2009 और 10 में रायन टेलर ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया था न्यूकास्टल यूनाइटेड के तरफ से खेलते हुए, चैंपियनशिप जो लीग होता है उस लीग में चैंपियन बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाया था रायन टेलर ने। तो इनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है खेलने का, बहुत ही उम्दा प्लेयर है, और अब देखते हैं कि पोजिशन क्या है। तो दोस्तों, ये फुल बैक पोजिशन पर खेलते हैं और मिडफील्डर के किसी भी पोजीशन पर खेल सकता है। तो दोस्तों, फाइनली फुलबैक और मिडफील्ड पोजीशन पर खेलते हैं, और इनका एक बहुत ही अच्छा एबिलिटी है कि फ्री किक बहुत ही अच्छी तरीके से लगाता है, और डेड बॉल का स्किल इनका बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, इनका जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का जो बहुत ही उम्दा रहा है, और जो क्लब करियर है वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा खेला, इंटरनेशनल टीम में भी था अंडर 21 का। तो दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो चलिए अब तुलना कर लेते हैं कि कार्ल बेकर के जगह रायन टेलर कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर मेरी माने तो कार्ल बेकर के जगह रायन टेलर थोड़ा सा फीका पड़ सकता है, क्योंकि कार्ल बेकर का क्लब का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे टीमों से खेला है, लेकिन रायन टेलर ज़्यादा टीमों से नहीं खेला है, ज़्यादा बड़ा टीमों से नहीं खेला है, ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन कार्ल बेकर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है रायन टेलर से। लेकिन दोस्तों, कार्ल बेकर के जगह रायन टेलर को साइन करने के लिए जो एटीए ने एक डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि इनका जो एबिलिटी है रायन टेलर का जो खेलने का एबिलिटी है वो बहुत ही उम्दा है। कार्ल बेकर के जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन रायन टेलर टैलेंटेड एक खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, अपना 100% देता है हर मैच पे, और उन्होंने ये भी कहा है कि एटी का जो फैन बेस क्लब है बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट मिलता है, और एटी के तरफ से खेलते हुए वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, और ज़रूर कार्ल बेकर के जगह के भरपाई वो कर सकता है, ऐसा उन्होंने एक मीटिंग में बताया है कि कार्ल बेकर के जगह जब मुझे लिया गया है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि फ़ैन मुझे भी सपोर्ट करते रहा, कार्ल बेकर को जिस तरह से सपोर्ट करता है उसी तरह मुझे भी सपोर्ट करेगा। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि एटीए का फ़ैन मुझे भी बहुत ही पसंद करेगा, और मैं अपने 100% दूँगा हर मैच पे। और अब लोग आप मुझे पूछेंगे कि कब से खेलेगा, तो दोस्तों इसके बारे में कुछ कंफर्म खबर नहीं है कि कब से खेलने लगेगा एटीए के टीम से। दरअसल दोस्तों, इस बारे में कुछ भी खबर नहीं दिया है, एटीए के ट्वीट जो पेज है, ऑफिशियल जो पेज है, वहाँ पर कुछ भी खबर नहीं आया है कि कब से खेलेगा, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस हफ्ते के बाद ही ज़रूर वो खेलने लग सकता है एटीए टीम में, और बहुत ही जल्द ही आ रहा है एटीए टीम ज्वाइन करने के लिए, उनके प्रैक्टिस मैच जो प्रैक्टिस होता है वहाँ पर जल्द ही ज्वाइन करेगा एटीए क्लब को। तो अभी भी कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन जब भी आ जाएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करते रहने के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने मिलकर मेरे 8000 सब्सक्राइब पूरा कर दिया है। दोस्तों, सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी ये चैनल है, आप नहीं है तो इस चैनल ये चैनल का भी कुछ मायने नहीं है, आप लोग है तो चैनल भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले इस तरह के इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।